उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर जन्मे मंगल पांडे राष्ट्र प्रेम और दिलेरी का परिचय देते हुए बंगाल के बैरकपुर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। क्रांति की इस चिंगारी ने धीरे धीरे शोलावन सारे देश को अपने लपेटे में लिया। उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के विक्टोरिया पार्क में 9 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 72 भारतीय सैनिकों ने जब मेरठ से दिल्ली के लाल किले की ओर कूच किया तो इस आंदोलन की आग समूचे देश में भड़क उठी। मजदूर, किसान और आम आदमी के दिलों में भी आजादी की ना बुझने वाली एक लौ प्रज्वलित हो गई। एक छोटी सी चिंगारी अब आग की तरह मेरठ से बिठूर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी से होते हुए देश के पांच हिस्सों में फैल गई। जब सारा संसार
जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी। ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर लिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। सभामस्तु नित्यं लोक समस्तः सुखिनो भवन्तु।